शिमला टाउन हॉल के उद्घाटन के बाद अब इसको पाने की होड़ लगी है। इसे लेकर नगर निगम के पार्षद सरकार से सीधी लड़ाई के मूड में आ गए हैं। शुक्रवार को हुई निगम की मासिक बैठक में ये मुद्दा खूब गूंजा और पार्षदों ने साफ लहजे में कहा कि सरकार इस इमारत को निगम को वापस दे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। टाउन हॉल नगर निगम की संपत्ति है, इसलिए निगम का इस पर पहला हक है। शिमला के माल रोड स्थित टाउन हॉल पर अपनी स्थिति साफ करने को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शिमला नगर निगम से मांगे गए जवाब पर निगम के सभी पार्षदों ने अपनी अपनी राय दी है, जिसमें इस खूबसूरत भवन की एक मंजिल में निगम की आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक गतिविधियां चलाने, एक में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शिमला की ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी देने संबंधी गैलरी स्थापित करने और एक मंजिल में निगम महापौर, उपमहापौर और निगम आयुक्त सहित कुछ अधिकारियों के कार्यालय चलाने के लिए इस्तेमाल करने की योजना तैयार की गई है। निगम की मासिक बैठक में टाउन हॉल का मुद्दा जोर शोर से गूंजा और सभी पार्षदों ने इसके जीर्णोद्धार से पूर्व की तरह निगम को सौंपने की मांग उठाई। कुछ पार्षदों ने तो न्यायिक लड़ाई लड़ने की भी राय दी। इसके अलावा मासिक बैठक में वित्तीय मामले पर भी चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक की जानकारी देते हुए नगर निगम महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि टाउन हॉल के मामले में नगर निगम को उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार है। उन्होंने कहा कि इसके बाद ही आगामी रणनीति बनाई जाएगी। और आज का जो मुख्य एजेंडा हमारा ये रहा कि आज टाउन हॉल को लेकर जो है काफ़ी जो पार्षद है वो काफ़ी उत्सुक थे और इस पर काफ़ी चर्चा करना चाह रहे थे, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो है एक हमें जो है आदेश था कि इस पे जो है चर्चा की जाए और ये बताए कि आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो आज सभी पार्षदों ने जो है अपने अपने व्यूज़ दिए हैं कि इसको जो है कमर्शियल किया जाए और इसमें जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उस पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाए, ताकि उससे जो है MCO कुछ जो है उससे इनकम हो, ताकि एक सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट हो जाता है MC के लिए। और जो ऊपर वाला एरिया है उसको जो है कुछ हाईटीज वाली चीज़ें जो उसमें रख के, ताकि जो एक टूरिस्ट का जो एक आकर्षण का केंद्र बने, कुछ इस तरह के सब लोगों ने जो है राय दी है। और जो बीच वाला फ्लोर उस पे मेयर ऑफिस और डिप्टी मेयर और कमिश्नर और मतलब कि कुछ एक लोग और बैठे और एक हमारा जो मेन हमारा है जी जहाँ पे हम मीटिंग करते हैं वो जो है मिले। ये कि MC को नहीं दिया जाएगा, MC को दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी बार जो है माननीय जयराम जी से, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे बहुत बार मिले हैं, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये MC को दिया जाएगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि इसमें जो है हाई कोर्ट का जो है इसमें इंटरव्यू हुआ है, तो हाई कोर्ट ने जो हमें आदेश दिए थे कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो उसके विषय में हमने आज चर्चा की है। उसके बाद हम लोग ने जो अपना हमने जो यहाँ से अपना प्रस्ताव भेजना है वो हमने गवर्नमेंट को भेजना है, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है हाई कोर्ट में उसको देना है, उसके बाद वहाँ से हमें क्या आदेश मिलते हैं उसके बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।